अंबर तुराबी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे कि अंबर तुराबी साहब ऐसी शख्सियतें हैं और अच्छे अच्छे शेर भी पढ़े, नहायत ही कीमती कीमती शेर पढ़े। एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसका मकाम ये नहीं है, मगर कुछ ज़रूरत भी है और कुछ इंसान की मजबूरियाँ भी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए अब कोई निज़ामत नहीं होगी, जहाँ जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ेगी शेर पढ़ने की वहाँ पढ़ दूँगा, मगर अब सामईन पूरी तरीके से मुनज़्ज़म है। अब शायर को, शायर और सामईन के बीच में नाज़िम को दीवार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शायर जनाब तैयब काज़मी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। फरमाएं ये बहुत पुरानी तरह है सलाम की। अब क्योंकि यहाँ जनाब सैयद सज्जाद की मिदत में महफिल थी तो कुछ शेर मैंने अलग से बढ़ा लिए हैं और कुछ शेर पुरान सलाम के पेश करूँगा। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो तो उसे ख्याल न कीजिएगा। मुलादा फरमाएं एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मेरे दिल ने तमन्नाए इबादत की है, जब मेरे दिल ने तमन्नाए इबादत की है, फिक्र ने मिदहत सज्जाद की नीयत की है, जब मेरे दिल ने तमन्नाए ज़ियार इबादत की है, फिक्र ने मिदहत सज्जाद की नीयत की है। मुलादा फरमाएं फिक्र ने मिदहत सज्जाद की नीयत की है। मुलादा फरमाएं कि जब से आँखों ने गमे शाह की बैत की है, जब से आँखों ने गमे शाह की बैत की है, हमने जी जान से अशकों की हिफाजत की है। जब से आँखों ने हमें शाह की बैत की है, हमने जी जान से अशकों की हिफाजत की है, हमने जी जान से अशकों की हिफाजत की है। देखिएगा एक बहुत नाजुक सा मतलब पेश कर रहा हूँ। राइस साहब मुलादा फरमाए हमने जी जान से अशकों की हिफाजत की है। मुलादा फरमाए कि सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, सबसे पहले दूसरा मिसरा खास तौर पर सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, फिर मेरी आंखों ने जहरा की ज़ियारत की है। सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, फिर मेरे अशकों ने जहरा की ज़ियारत की है। और देखिए सज्जाद ने तहरीक अमल की दौलत सारे आज़ाद ज़मीरों की किफ़ालत की है। देखे सज्जाद ने तहरीक अमल की दौलत सारे आज़ाद ज़मीरों की किफ़ालत की है, सारे आज़ाद ज़मीरों की किफ़ालत की है। मुलादा फरमाएं के रख लिया शाह के सजदे का भरम आबिद ने, रख दिया शाह के सजदे का भरम आबिद ने, इस तरह शाम गरीबा में इबादत की है, इस तरह शाम गरीबा में इबादत की है। मुलादा फरमाए शेर पेश कर रहा हूँ शकील साहब। मुलादा फरमाए कि एक लम्हे को भी फर्ज अपना न भूले सज्जाद, एक लम्हे को भी फर्ज अपना न भूले सज्जाद,
कैद में रह के भी आजाद इमामत की है, कैद में रह के भी एक लम्हे को भी फर्ज अपना न भूले सज्जाद, एक लम्हे को भी फर्ज अपना न भूले सज्जाद, कैद में रह के भी आजाद इमामत की है, कैद में रह के भी आजाद इमामत की है। मुलादा फरमाए के पैकरे जुल्म को जंजीर किया लफ्जों से, पैकरे जुल्म को जंजीर किया लफ्जों से, ऐसी मजलूमी आबिद ने खिताबत की है, ऐसी मजलूमी आबिद ने खिताबत की है, ऐसी मजलूमी आबिद ने खिताबत की है। देखिएगा एक जबान का शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि जिक्र सज्जाद से आँखों के छलक जाने का राज, जिक्र सज्जाद पा आँखों के छलक जाने का राज, आप क्या समझेंगे ये बात मोहब्बत की है, जिक्र सज्जाद पा आँखों के छलक जाने का राज, जिक्र सज्जाद पा आँखों के छलक जाने का राज, आप क्या समझेंगे ये बात मोहब्बत की है, आप क्या समझेंगे ये बात मोहब्बत की है। मेरे सजदों को शिफा आबद बीमार ने दी, मेरे सजदों को शिफा आबद बीमार ने दी, मैंने खालिक की इबादत भी बसेहत की है, मैंने खालिक की इबादत भी, मेरे सजदों को शिफा आबद बीमार ने दी, मैंने खालिक की इबादत भी बसेहत की है। अरे पढ़ के देखो तो कभी आले मोहम्मद की जुबूर, पढ़ के देखो तो कभी आले मोहम्मद की जुबूर, ये सहीफा नहीं, ये सहीफा नहीं तफसीर शरीयत की है, ये सहीफा नहीं तफसीर शरीयत की है, ये सहीफा नहीं तफसीर शरीयत की है। और 14 सदियां हुई जब आए जहां में सज्जाद, 14 सदियां हुई जब आए जहां में सज्जाद, आज तकरीब मसर्रत उसी साथ की है, 14 सदियां हुई, 14 सदियां हुई जब आए जहां में सज्जाद, आज तकरीब मसर्रत उसी साथ की है। मुलादा फरमाए ये वो सलाम का शेर है कि रुख को तनवीर अता की है, बदन को खुशबू, रुख को तनवीर अता की है, बदन को खुशबू, शहने कितनी हबशी खून की इज्जत की है, रुख को तनवीर अता की है, बदन को खुशबू, रुख को तनवीर अता की है, बदन को खुशबू, रुख को तनवीर अता की है, बदन को खुशबू, शहने कितनी हबशी खून की इज्जत की है, शहने कितनी हबशी खून की इज्जत की है। वो एक चश्माह तबस्सुम की गरां बारी ने, एक चश्माह तबस्सुम की गरा बारी ने, अबदी बन के हर एक गम पा हुकूमत की है, अबदी बन के हर एक गम पा हुकूमत की है, अबदी बन के हर एक गम पा हुकूमत की है। बस आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, ये बहुत पुराना शेर है, बहरहाल लोगों को याद ही होगा, शह ने कितनी हबशी खून की इज्जत की है। मुलादा फरमाए कि पहले सरवर की तरफ बाद में जन्नत की तरफ, पहले सरवर की तरफ बाद में जन्नत की तरफ, हुर ने एक रोज में दो मरतबा हिजरत की।
की है। पहले 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 सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। हुर ने एक रोज में दो मर्तबा हिजरत की है। हुर ने एक रोज में दो मर्तबा हिजरत की है। पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। हुर ने एक रोज में दो मर्तबा हिजरत की है। रुख को तनवीर अता की है, बदन को खुशबू। शहने कितनी हवशी खून की इज्जत की है, शहने कितनी हवशी खून की इज्जत की है। ये भी एक हकीकत है कि मजलिसो मातम सरवर के ज़रिए तैयब, मजलिसो मातम सरवर के ज़रिए तैयब। हमने हर दौर में सज्जाद की नुसरत की है। मजलिसो मातम सरवर के ज़रिए तैयब, हमने हर दौर में सज्जाद की नुसरत की है।